पब्लिक टीवी आपकी आवाज। चुनाव के दिनों में प्रधानमंत्री जनधन योजना के खातों में इतनी बड़ी रकम पहुंचने से खलबली मची तो ये सवाल भी कोंद गया कि आखिर इन खातों में ये रकम किसकी तरफ से ऑनलाइन पहुंच गई। खाताधारकों की पासबुक अपडेट करने पर इतने रुपए माइनॉरिटी अफेयर्स के जरिए भेजे जाने की बात पता चली, लेकिन अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने जनधन खातों में किसी भी प्रकार की कोई रकम ट्रांसफर करने से साफ इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत भोजपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा के बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के जरिए जो खाते मुरादाबाद में बैंक की अमरोहा गेट शाखा में खुलवाए गए थे उनमें 10,700 रुपए पहुंचने का मामला शुक्रवार को सामने आया तो बीसी सेंटर से लेकर मुरादाबाद स्थित बैंक के रीजनल दफ्तर तक खलबली मच गई। भोजपुर में बैंक के कुछ खाताधारकों को फोन पर अकाउंट में पैसे आने का मैसेज पहुंचा तो ये सूचना खाताधारकों में आग की तरह फैल गई। जनसुविधा केंद्र पर पहुंचकर खाताधारकों ने अपने खाते में बैलेंस चेक कराया और फिर रकम की निकासी के लिए बीसी सेंटर की तरफ दौड़ पड़े। उधर भोजपुर बैंक का बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मोहम्मद दानिश सेंटर को बंद करके वहां से भाग गया तो इधर बैंक की तरफ से खाताधारकों को पेमेंट करने पर रोक लगा दी गई। जिन खाताधारकों के अकाउंट में 10,700 रुपए पहुंचे उनमें ज्यादातर महिलाएं हैं। उदाहरण के लिए नगर पंचायत भोजपुर निवासी मोहम्मद रफी को अपनी पत्नी भूरू के खाते में 10,700 रुपए आने का पता चला तो बेटी के साथ बीसी सेंटर पहुंच गए। जनधन खातों में इतनी रकम पहुंचने की सूचना पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारी भी सकते में आ गए हैं। अच्छा कैसे आई हो बैंक? मैं ये चाह रही हूँ कि पैसे भी आए हैं 10,000 रुपए वो नहीं मिले और जो मेरे रंड बाबा के पेंशन भरू है वो भी नहीं आई। अच्छा तो ये बैंक तो बंद है अब क्या कर? अब नहीं है तो अब फिर अपने घर बैठेंगे जाकर। जब आपको कैसे पता आपके खाते में जो जनधन के खाते में पैसे आए कितने पैसे आए क्या कितने पैसे आए? अभी वो चेक नहीं करा है उन्होंने चेक करने के लिए। देखो ये बताया कि पैसे मिल रहे हैं तुम चेक कराओ तो चेक कहाँ कराना है? अब कितने पैसे मिल रहे हैं? 10,000 बताया। ये 2500 लोगों के लगभग खातों में आया है, कुछ पैसे निकाल चुके हैं कुछ के रह गए जिसमें बैंड लगा दिया गया। अब ये जो है चुनाव प्रोपेगंडा है, उन्होंने कि आखिर में जाकर बोले ये उन्होंने करना था जो 15 लाख की जगह उन्होंने 10,000 रुपए उन्हें डाल दिए हैं कुछ खातों में 2500 में, क्योंकि यहाँ तो करीब बैठेंगे करीब 10,000 खाते, 10,000 की बजाय 2500 खातों में आए जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा में आए हैं वो बंद करके चले गए जिसमें आज खुली भी नहीं है। अच्छा कितने, है, कितने कितने ग्राहकों ने पैसा निकाला? वो करीब निकाल लिए होंगे 100-150 आदमियों ने पैसे निकाल चुके हैं, बाकी के नहीं निकले। जैसे ही लोगों को पता चला बैंक वालों को उन्होंने वहीं पर उस पर बैंड लगा के और बंद करके बैंक चले गए कल। अब क्या है पूरा मामला क्या चाहते? अब चाहते क्या है ये लोगों का, अगर ये भी हत्ते आ जाए 10-10 हज़ार 15-15 लाख में 10-10 ही हत्ते आ जाए तो लोगों को कुछ आंसू पूछें? इसमें भी क्या आंसू पूछेंगे? किसान तो बेकार हो गया, उसकी फसलें नष्ट हो रही हैं, कभी ओला हो जा पड़ जाता कभी कुछ पड़ लिया, इतना लाचार हो चुका किसान के अपने आप को बचाना भारी पड़ लिया। किसान की मेन समस्या है, जबकि सबसे बड़ी अभी तक लोगों की पिछली भी पेमेंट करने की ना मिल पाई है, पिछले साल वाली भी वो कह रहे हैं कि हमने डाल दी, हम जाते हैं तो मना करते हैं कि नहीं डालिए। आज बैंक क्यों बंद है? आज बैंक इसीलिए बंद है कि वो जनधन वाले खातों की वजह से बंद कर दिया उन्होंने, के बैंड लगा दिया वो खातों पर, फिर बैंक बंद कर दी क्योंकि वो आएंगे तो लोग आएंगे बोले हमारा वो करिए, इस बेस पर वो बैंड लगा कर चले गए और अपना बंद कर दिया। कौन सा बैंक है? बैंक ऑफ बड़ौदा। कौन चलाता है बैंक? इसका मिनी ब्रांच है? मिनी ब्रांच है। मामला थोड़ा सा जानना चाहेंगे और क्या विभाग की ओर से क्या कुछ डिटेल्स मिली? देखिए मैंने अभी जस्ट न्यूज़पेपर पढ़ा है और मुझे भी जानकारी और संज्ञान में अभी आया है कि इस तरह का कोई पैसा 10,700 रुपए जिसमें संज्ञान में आया कि वो माइनॉरिटी से रिलेटेड है, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी कि जिले स्तर से इस तरह का कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। हो सकता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट से कई तरह की स्कॉलरशिप्स और कई स्कीम्स चलती हैं, ज़रूरी नहीं है उस स्कॉलरशिप का हो, क्योंकि ये अब एक जांच का विषय है और इसमें मुझे देखना पड़ेगा कि ये किस तरह का ट्रांजैक्शन है, कौन सा पैसा है। मैंने सबसे पहले मैनेजर को लिखा है एक पत्र कि वो इन खातों के बारे में मुझे बताएं और उस एरिया के संबंधित जो स्कूल और मदरसे हैं उनके क्या खाते खुले हैं, वहाँ पे किस तरह का ट्रांजैक्शन कुछ हुआ है, वो मुझे जांच करके ही मैं आपको बता पाऊँगी। तो एक जांच का विषय है जिसमें मुझे जांच करनी होगी कि किस तरह का पैसा है, संज्ञान में क्योंकि विषय अभी आया है तो इसमें समय लगेगा।